हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम आपका फर्स्ट टर्म का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा, आपके बुक का ही एग्जांपल है ये रखा, बकेट इन अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इज अ फर्स्ट टर्म सेट। ठीक है, इट इज हाइट कितना रखा है आपका, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड रेडियाई ऑफ द सर्कुलर फेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो एक हम देखो ग्लास बना लेते हैं, मतलब ये ऐसे दे रखा है फर्स्ट टर्म सेट का। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है स्टूडेंट, हाइट कितनी दे रखी है, 28, मतलब दिस वन, ये हमारा हाइट जो है वो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। ठीक है, एच इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, एंड रेडियाई दे रखा है, रेडियाई द सर्कुलर फेस, एक 12 दे रखा है एक 15 दे रखा, मतलब ये वाला कितना दे रखा है, ये आर वन मान लो 12 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा जो है R2 कितना रखा है आपका, 15 सेंटीमीटर, ये H हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें डायमेंशन गिवन है, क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की जो है कैपेसिटी बतानी है। तो बकेट तो हमें ये क्या, फर्स्ट टर्म शेप का दिख रहा और कैपेसिटी की बात कर रहा था, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो बकेट सिर्फ किस शेप का है, फर्स्ट टर्म शेप का। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/3 पाई h आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, ये तो सबको फॉर्मूला पता है, सबकी वैल्यू पुट कर लो। तो 1/3 पाई कितना हमारे पास, 22/7। h कितना है स्टूडेंट, h 28 है। आर वन कितना हमारे पास, 12 है। आर टू कितना है, 15 प्लस 15 इंटू 12, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितने टाइम में जाएगा, 7 और 8, ये आ जाएगा 4 टाइम में, ये आपका कितना आ जाएगा 4 टाइम में। तो ये कितना, 22 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, अब ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 225। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 15 9 और ये 180 आ जाएगा स्टूडेंट, 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो 144 225 180, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये आपका आ जाएगा 44 और ये 5। ठीक है, 549, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 222 4 डिवाइड बाई 3 एंड 549। ठीक है, अब देखो ये 3 से भी कैंसिल होता है, 3, ठीक है, 3 से भी कैंसिल होता है, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना है, 1 और ये 8। ठीक है, और कितने टाइम में जाएगा, 8 हो गया और 3 टाइम में, और ये कितना 88 इंटू 183। ठीक है, और ये क्या वॉल्यूम, यहां पर लिखते जाओ वॉल्यूम ऑफ बकेट। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो कितना जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए तो 1616104 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए स्टूडेंट, यही आएगा। ठीक है, 1610 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये कैपेसिटी की बात कर रहा था, कैपेसिटी जो होता है वो हम लीटर में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो पहले लीटर की डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको, तो मैं बता देता हूं, जिसे ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 16104। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अब हमें बताना होगा, जिसे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू जो होता है 1000 लीटर होता है स्टूडेंट, आई बस समझ लें, 1 मीटर हमेशा याद रखना, 1 मीटर क्यूब में, अब ये क्या 1000 लीटर आता है, मतलब एक क्यूब है, अगर सपोज करो क्यूब है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 है। तो अब देखो मैं ऐसे बस ये यूनिट याद रखिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू है तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, बट हमारा डायमेंशन किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अब यहां पर ध्यान दो, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, हम लीटर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इधर देखो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू, इतना तो होता ही है, इसी को हमने ये लिखा है,
वन मीटर की जगह पर क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, फिर यहां पर भी 100 सेंटीमीटर, यहां पर भी क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस वन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये कितना हो गया दिस वन। तो 1, 2, 3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो काटो तो कितना आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो मतलब 1 लीटर इक्वल टू कितना आ गया, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है। बट यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है आपको? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। तो यहां पर इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16104 इंटू 1/1000 लीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आए? तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें क्या देगा 16.104 लीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब 16.104 लीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। इतनी बात समझ में आए स्टूडेंट? तो ये कैपेसिटी ऑफ बकेट हो जाएगा, तो इतना लीटर कंटेन कर जाइए, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही है स्टूडेंट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डायमेंशन अलग अलग है। देखो द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम शेप बकेट, एक बकेट दे रखा है फ्रस्टम शेप का, जिसे ये दे रखा है, ठीक है। अब ये है हमारे पास, अब यहां पर जो रेडियाई दे रखा है ये इसका कितना दे रखा है रेडियस, ये हमारे पास जो आर वन है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका हाइट, और ये आर टू जो दे रखा है हमारे पास आर टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ये जो हाइट है हमारा एच दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये डायमेंशन, ये यूनिट दे रखा है, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हाइट हाउ मेनी लीटर मतलब कैपेसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब फ्रस्टम का वॉल्यूम, आई बस समझिए, क्योंकि बकेट किस शेप का, फ्रस्टम शेप का, तो वही फॉर्मूला यूज होगा 1/3 πh आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर आर वन इंटू आर टू। इतनी बात समझ में आए? और पाई की वैल्यू हम कंसिडर, पाई इक्वल टू 22/7 यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, आई बस समझिए। तो यहाँ पर देखो सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/3 πh की वैल्यू 22/7, एच कितना हमारे पास एच 30 है, ठीक है। अब ये आर वन कितना हमारे पास, आर वन 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 × 7। अब इसको सिमिलर, ये कितना टाइम में जाएगा 10 टाइम है, तो यह आ जाएगा 210, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, जिससे 22 × 10/7 ये कितना देगा 196 प्लस 49, और ये कितना हो गया 98 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 220 हो जाएगा डिवाइड बाय 7, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो 343 आ जाएगा, आप करके देख लीजिए स्टूडेंट, 343 आएगा इसको सॉल्व, इसको ऐड करेंगे तो 49 में जाएगा, तो 220 × 49, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10780 ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिख ले आप पेपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट। लेकिन बात यहां पे ये हमें बताना है लीटर में बताना है स्टूडेंट, ठीक है। और वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू
100, इसको हमने किससे क्या क्या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, तो 1 सेंटीमीटर, देखो यहां पे ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना 1 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर, इतनी बात समझ जाए। तो दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस 1, तो 1010780 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 10780 इंटू 1/1000 लीटर। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 10780 डिवाइड बाय 100 1000 लीटर, तो फाइनली हमें मिलेगा 10.780 लीटर। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बकेट इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी, क्योंकि वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ बकेट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या हो जाएगा हमारा 10.780 लीटर। ठीक है, तो यही बताना था हमें हाउ मेनी लीटर, देयरफॉर ये लिख सकते हैं देयरफॉर 10.780 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख लो देयरफॉर 10.780 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ये लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर 10.780 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, तो ये हो जाएगा, बहुत आसान था स्टूडेंट। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 7.2 प्रैक्टिस सेट का। तो यहां पर रखा रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म आर 14, ये R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, एंड इट्स हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हमने एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये दे रखा हमारे पास, ये हाइट है और ये रेडियाई है, ये R1 मान लिया हमने 14 सेंटीमीटर, और ये क्या है R2, ठीक है, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ने हाइट दे रखा है, हाइट h जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना डायमेंशन दे रखा है, तो हमें क्या बताना, और पाई की वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट 3.14। तो ठीक है, सब दे रखा है, तो अब देखो कर्व सरफेस पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, आप लोगों को मैंने बता रखा फॉर्मूला क्या है, पाई R1L प्लस पाई R2L। ठीक है, अब ये देखो पाई एल बाहर निकाल लो, क्या बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू पता है, देखो R1 R2 पता है, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, L नहीं पता हमें। ठीक है, L नहीं पता, R1 कितना हमारे पास दे रखा 14 दे रखा और ये 6 दे रखा है, बट हमें L नहीं पता, तो L हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो L हमने निकालने का तरीका बताया आपको कैसे, तो L का स्क्वायर क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L हमें फाइनली क्या मिलेगा, अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आएगा समझ में, यहां से स्क्वायर हटा देगा तो अंडर रूट में चल जाएगा। तो अब L निकाल लेंगे, अब देखो H कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है, R1 कितना 14 माइनस 6 स्क्वायर, तो L इक्वल टू आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 36 और ये 8 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 36 प्लस 8 मतलब 64 आ जाएगा, तो L हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 100, तो L इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो यहां फुल कर लो 3.14 इंटू 10 और ये कितना देगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 20। तो ये फाइनली हमें कितना मिल गया 314 इंटू 200। तो अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 100 बार करना, ये कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6.28 आ जाएगा इंटू 100, तो फाइनली कितना आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया चल रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, टोटल ये लिख रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा,
कर्व सरफेस में ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन भी ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट। तो देखो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस प्लस दिस वन। तो देखो सेकंड हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस वन एरिया पाई आर वन का स्क्वायर, दिस वन एरिया पाई आर टू का स्क्वायर। देखो कर्व सरफेस एरिया तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट, 6 to 8, ठीक है 6 to 8 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, ठीक है ये टोटल सरफेस एरिया चल रहा है। टोटल सरफेस एरिया दिया जाएगा 6 to 8 और ये देखो 3.14, आर वन कितना था 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा 6 to 8 प्लस 3.14, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 196 प्लस 36, ठीक है तो 6 to 8 प्लस 3.14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 196 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 2 और ये 2, ठीक है ये आ गया 2 और ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 3 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो 6 to 8 point। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए आपको कितना आएगा 7 to 8.48 आएगा, ठीक है इतनी बात समझ में आया 7 to 8.48। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए यही आएगा। अब देखो सबको ऐड कर लो आप तो आएगा 1356.48 करके देखो यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई ऐड करके देखो यही आएगा 1356.48 और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फाइनली हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा 1356.48 सेंटीमीटर। अब ऐड करके देख लीजिए यही आएगा आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ ले, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम का अभी हमने करके बताया था, देखो तो इसको मिटा देते हैं फिर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट, क्या होता है वॉल्यूम 1/3 πh आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। इतनी बात समझ में आए तो सब सारी वैल्यू पुट कर लो इसमें। तो 1/3 πh कितना है 3.14, h कितना हमारे पास h 6 है, आर वन कितना हमारे पास 14 का स्क्वायर, आर टू कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 14 × 6। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये देखो ये कितने टाइम में जाएगा, ये 2 टाइम में जाएगा, ठीक है तो 2 टाइम में 3.14 × 2। 14 का स्क्वायर कितना देगा स्टूडेंट, 14 का 196 देगा, ये 36 देगा, 14 × 6 कितना होगा 84 होगा आई थिंक 84, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, ये आ गया आपका 8 और ये 2 और ये 6.28, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 3 ऐड करेंगे क्या 2 3 2 आएगा प्लस 84 तो ये आएगा 6.28 और ये आ जाएगा आपका ऐड करने पर आपका आ जाएगा 3 2 3 देखो 2 3 2 84, ठीक है 6 1 3 3 1 6 आएगा स्टूडेंट 3 1 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इसको मल्टीप्लाई 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा स्टूडेंट यही आएगा वहां, तो 1984.8 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर यही बोलता लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 से क्या करते इसको डिवाइड कर लेते जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो लीटर में नहीं पूछा उसने तो हमें लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में ही हम बता देंगे इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देख लेते हैं हम स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट ये आपका एक्टिविटी है, आप ही के बुक का है, एक्टिविटी दे रखा है। देयर आर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम, ये फ्रस्टम दे रखा है आर 132 मतलब ये सर्कमफेरेंस दे रखा है, ठीक है ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है ये
मतलब 2πr1 = 132 दे रखा है, ये पूरी लेंथ। और ये कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है स्टूडेंट, ये वाली पूरी लेंथ, ये आपका 2πr2 जो दे रखा है 88 दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स हाइट कितना दे रखा है 24। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करना है स्टूडेंट। देखो कैसे सब कुछ दे रखा है, जो डब्बे बना रखे हैं उसको आपको फील करना है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा सर्कमफेरेंस क्या दे रखा 2πr1, ये कितना दे रखा 132। तो ये देखो एक काम किया, r1 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करके ये बनना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 132 डिवाइड बाई 2π की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7। तो देखो इसको सॉल्व करें, 132 डिवाइड बाई 2 एंड 22/7, तो ये क्या आएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 132 × 7 / 2 × 22। अब देखो यहाँ पे इसको काटो, तो अब इसको काटेंगे, देखो 11 से कटेगा, 11 से कितने टाइम में कटेगा 2 टाइम में, ये 11 से कितने टाइम में कटेगा 1, और ये फिर 2 बचेगा तुम्हारा 12 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा क्या देगा 12 × 7 / 4, ठीक है। तो ये कितने टाइम में कटेगा 3 टाइम में, तो ये कितना है 21 आ गया। तो R1 हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 21 आ गया, तो यहाँ पे फिल कर लेंगे हम 21। इतनी बात समझ में आए, सेम हम इसके लिए भी निकाल लेंगे। ये सर्कमफेरेंस दे रखा 2πr2 मतलब 88, मतलब दिस वन इक्वल टू 288 दे रखा है। तो देखो r2 इक्वल टू क्या होगा 88 डिवाइड बाई 2π, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 88 डिवाइड बाई 2π, r2 इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2π, तो क्या होगा 88, पहले 2 से कट करना था कट कर लो, 44 हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा 44 और ये 22/7, तो फाइनली में कितना मिलेगा 44 और 7 ऊपर चल जाएगा 22, तो ये कितने टाइम में गया 2 टाइम में, तो 2 × 7 मतलब फाइनली में क्या मिला 14 मिला। तो इसको फिल करने में कितना आया 14 आएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको फिल करेंगे, तो स्लांट हाइट क्या होता है स्टूडेंट, स्लांट हाइट का मतलब ये, हमने ये वाला फॉर्मूला बता रखा है, एच का स्क्वायर प्लस r1 - r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है एच का स्क्वायर r1 - r2 का होल स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पर ये कितना था 24 का स्क्वायर, r1 - r2 करेंगे तो r1 - r2 करके यहाँ फिट करेंगे तो 21 - 14, r1 - r2 करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे ध्यान दो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट में 24 का स्क्वायर कितना है 576, यही आएगा स्टूडेंट, आई बस 576 होता है प्लस ये 49, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 625, और फाइनली क्या मिलेगा 25 मिलेगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट से बाहर निकाल 25 आता है, फाइनली हमारे पास कितना है 25, तो ये कितना हो गया एल हो गया स्टूडेंट। तो देखो ये डब्बे भी भर दिए, ये भी भर दिए, ये सारे भर दिए, बाकी का रिमेनिंग ये बच रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो इसको कैसे करना है, अब यहां पर देखो यहां पर स्क्वायर बना रखा है, अब ये देखो पाई, अब हमें ये भरना है, ठीक है। तो ये भरने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई के जगह पता है पाई है r1 × l, यहां पर तो यही भरेंगे r1 × l, ठीक है, इंटू ही आएगा, ठीक है। फिर क्या भरेंगे r2 × l, ये भरना होगा यहां पर इस वाले डब्बे में, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां भरना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां भरना होगा, ठीक है। तो r1 कितना था स्टूडेंट, r1 21 था, 21 इंटू आपका l कितना था हमारे पास, l 25 है, ठीक है। फिर r2 कितना हमारे पास 14 है इंटू 25 है, तो इसको हमें भरना होगा, ठीक है। तो पहले वाले डब्बे में हमें ये भरना है, दूसरे वाले डब्बे में ये भरना है, तो 21 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 525 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, करके देखो, और इसको मल्टीप्लाई 14 × 25, तो ये आ जाएगा आपका 350 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, इसका 350 मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये आ जाएगा 525 और ये 350, ठीक है, आएगा समझ में, क्लियर है स्टूडेंट।
अब सबको सिंप्लीफाई करोगे, सबको सिंप्लीफाई करो, देखो अब सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फाइनल लिखना है। तो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, ये 5 2 5 और 3 5 50। अब इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये कितना आएगा, 7 7 5 जा तुम्हारा 50 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 50 × 5 2 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा हमारा 5 5। इसको बड़ा बॉक्स बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी ना इसमें स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 7 7 5 00, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 22 × 5 ये आ जाएगा आपका 0 और ये आपका 11, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा × 5 2 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 0 तो आएगा, तो ये आ जाएगा 5 7 7 5 00 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, तो आप फिल कर देंगे, बहुत आसान था, कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई करके लिखना था स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।